कॉलेज के कार्यक्रम से मैं जहाँ पे खड़ा हूँ उस कार्यक्रम के लिए चला, तो रास्ते में जहाँ डॉक्टर भारद्वाज जी का हॉस्पिटल था उसके आसपास जाम था, और मेरी गाड़ी जब वहाँ से निकलने लगी तो सुरेंद्र सिंह ने कि आप जानते हैं सर, क्योंकि मैं भी स्थानीय हूँ, आप भी स्थानीय हैं, शिवाजी नगर का रहने वाला है और अपने आप को सोशल वर्कर कहता है लेकिन लोग उसे ब्लैक मिलर कहते हैं, जितनी भी घटनाएं आज से पहले हुई है लगातार पुलिस में भी उसको पकड़ा गया है, अनेकों बार लोगों के द्वारा उसे भेजा भी गया है, सब जानते हैं उसके बारे में, और उसने मुझे गाली गलौज करने का प्रयास किया क्योंकि मेरा शीशा खुला हुआ था, गर्मी है तो मैं एसी बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, बारिश भी है, उसके बाद भी अब वो गाली लगातार देता रहा तो मेरे सुरक्षाकर्मी को लगा ये क्या हुआ था, उसने समझाया तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो उसने एक हाथ से मेरा ये कुर्ता मैं दिखा रहा हूँ, ये कुर्ता पकड़ा जो मैं अभी इससे पहले ये पहन रखा था और उसने मेरे कुर्ते पे हाथ डाला और ये कुर्ता फाड़ दिया, ये देखिए ये फटा हुआ मेरी जेब, इसमें सारा सामान गायब हो गया, पैसा सामान जो भी इसमें चीज थी सब उसने छीनी है या गायब की है या गिरा है, मैं ये इसको तो नहीं कह सकता लेकिन ये देखिए आपके सामने ये अभी गाइए तो ये पटना है, और उसके बाद मेरे सुरक्षाकर्मी ने जब उसे समझाने का प्रयास किया तरह दौरान ये इसकी वर्दी फाड़ने का प्रयास किया, ये वर्दी फाड़ी गई मतलब खुलेआम गुंडागर्दी, और उसके साथ जो दूसरा जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो भी बदतमीजी पे आया और मैं बैठा रहा, उसके बाद वो पत्थर लेने भागा सड़क के किनारे, उसके बाद जब इन्होंने रोकने का प्रयास किया तो उसको मेरी सुरक्षा के लिए इन्होंने बचाव किया, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि आज तो सीधा सीधा आक्रमण हुआ है, एक गुंडागर्दी हुई है, और ये भी मेरे ही क्षेत्र में, क्योंकि इसके बारे में मैं जानता हूँ जितने भी कोई काम होते हैं उसमें वो सबसे पहले वो सोशल मीडिया में, क्योंकि कुछ लोगों का एक धंधा बन गया है वो एक काम करना, फिर उसमें ब्लैकमेलिंग करना, ये लगातार इसकी शिकायतें तो मेरे पे आती, मैंने कभी कुछ नहीं कहा और मैं तो इसमें बहुत अच्छा कार्यकर्ता के रूप में समझता रहा कि चलिए अच्छा अपना अच्छा काम करता है, मुझे याद है एक बार सड़क के बारे में इसने कहा तो मैं 5 मिनट के अंदर उस सड़क पर पहुंचा था जहां पर इसने शिकायत की थी, लेकिन इसका एक मुझे लगता है धंधा बन चुका है, फिर मैं मुझे घर पर जाके अपने कपड़े बदलने पड़े और मैं वापस आ मतलब क्या लगता है क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों हो गया, बिल्कुल FIR दर्ज करूंगा वो, चूंकि मेरे सुरक्षाकर्मी का वो जो अधिकार है वो करेंगे हम लोग, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ पुलिस से कि ऐसी गुंडागर्दी से कम से कम एक मंत्री पे हाथ उठाया है, एक सिस्टम पे हाथ उठाया है, तो आप समझ सकते हैं ये तो मतलब ये उत्तराखंड के अंदर ऐसी घटनाएं आपने देखा हो कभी शायद आज से पहले नहीं की। मंत्री जी आपकी सुरक्षा में चूक देखी जा रही है, नहीं कह सकते ये तो, अब आप देखें इतना अंतर था मेरे गाड़ी में और उसकी गाड़ी में और सीधा वो गाली दे रहा है उसमें सुरक्षा क्या करेगी, और सीधा गाली दे रहा है उसे जब रोका जा रहा है फिर वो गाली दिया जा रहा है और हाथ उठा रहा है सीधा, इतनी जल्दी वो अलर्ट होता मेरा सुरक्षा उससे पहले तो हाथ उठा चुका था, और हाथ उठाने के बाद मेरे मैंने दिखाया आपको सारा सामान, और मेरी जेब में कोई पैसा नहीं, मेरे पास जो भी मैंने पहन रखा था ये कुछ चीज़ें छोड़ के सब गायब हो गई। जो वीडियो रिलीज की गई उसको लेके क्या कहना चाहिए? देखिए वीडियो मैंने देखी नहीं है, अब आप वीडियो कौन सी आप पे आप चर्चा कर रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जो मेरे साथ घटना घटी मैं अपनी बात करूँ। ठीक, आज कोई नई घटना नहीं है, नहीं सिर्फ इतनी है, अभी तक जवानी जंग में थी अब हाथापाई में आ गई है, ये लगातार पिछले 16 सालों से ऋषिकेश की जनता भलीभांति जानती है और उत्तराखंड की जनता भी भलीभांति जानती है, ये व्यक्ति का गुस्सा नाक में रहता है, हमने तो इनका नाम लिखा है अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों होता है, ये सवाल हमारा हमेशा रहा है, इन व्यक्ति के द्वारा पूर्व में भी इन्हीं के राज्य मंत्री भगतराम कोठारी जी उनसे बदतमीजी करने का काम किया, इन्हीं के द्वारा पूर्व में भी एक नगरपालिका अध्यक्ष उनसे बदतमीजी करने का काम किया, इन्हीं के द्वारा पूर्व में भी एक महिला कुछ महिला फ्लाईओवर हरिपुर फ्लाईओवर को लेकर उनसे कुछ मांग कर रही थी उनसे बदतमीजी करने का काम किया गया, इन्हीं के द्वारा पूर्व में कुमारवाड़े में रोड के लेके अपनी मांग को लेकर एक वृद्ध महिला अपनी मांग को लेकर आई थी उससे बदतमीजी करने का काम किया। आज आप समझ लीजिए गुंडागर्दी के साथ साथ नारेबाजी भी लगा, विधायक की गुंडागर्दी, हम ये चाहेंगे जिस तरह से विधायक ने और विधायक के गनर ने उस व्यक्ति को पीटा और उस व्यक्ति ने अगर गलती की उसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून को किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, वो कोई भी हो। एक बात सुनिए, आपको क्या अधिकार है किसी भी गुंडे को सजा देने की, किसी भी ब्लैक मेलर को सजा देने की? आप समझिए मारने भी आए उसको यहाँ पर, वो तो मैं हो सकता है पीटने भी जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल।